आइए बैठिए सपनों के प्लेन में और चलिए मेक्सिको। कभी स्पेन का हिस्सा रह चुका मेक्सिको आज अपनी तरक्की और आजादी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मेक्सिको 15 सितंबर 1810 को स्पेन से आजादी मिली थी। दोस्तों, मेक्सिको का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट है। यहाँ की राजधानी कैक्सिको सिटी है और यहाँ की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा की है। दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया था कि सलमा हयाक हॉलीवुड एक्ट्रेस, वो भी यहीं से हैं और मेरी वो सबसे फेवरेट हैं। मेक्सिको देश रिंग ऑफ फायर में पड़ता है और अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर एरिया दुनिया का वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। रिंग ऑफ फायर में 450 से भी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस हैं। दोस्तों, चॉकलेट बनाने की शुरुआत भी मेक्सिको से ही हुई थी। मक्का यानी कि कॉर्न सबसे पहले मेक्सिको देश में ही उगाया गया था। दुनिया की ज्यादातर मिर्ची यहीं से आती है और सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची भी यहीं की है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नमक का प्रोडक्शन करने वाला देश भी मेक्सिको ही है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी को एक झील पर बसाया गया था। दोस्तों, मेक्सिको में सबसे ज्यादा स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर स्पेनिश बोलने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और यहाँ का सबसे पॉपुलर खेल है फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर स्पेन का शासन काफी देर तक चला और इसी वजह से यहाँ पर बुल फाइटिंग भी बहुत ही फेमस है। नॉर्थ अमेरिका के सभी देशों में से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको है। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर यूएसए और मेक्सिको के बीच ही है। मेक्सिको में एक दुर्लभ प्रजाति का खरगोश पाया जाता है जिसे वॉल्केनो रैबिट कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी भी मेक्सिको में ही है, जिसकी ऊंचाई महज 13 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। मेक्सिको का सबसे पुराना पेड़ 2000 साल पुराना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेक्सिको के बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स। हम आपके लिए ऐसी ही और भी देशों की वीडियोस लेकर आते रहेंगे, अद्भुत वीडियोस। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।